हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको अपने इस वीडियो में बॉक्स प्लेट डालने का बहुत ही आसान तरीका और फॉर्मूला बताने वाले हैं। इस फॉर्मूले से आप किसी भी ड्रेस में बॉक्स प्लेट आसानी से डाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले इस तरीके का एक सादा पेपर लेना होगा। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप कोई भी न्यूज पेपर ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सादा पेपर में से इस तरीके की एक पेपर स्ट्रिप कट कर ली है। इस स्ट्रिप को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। अब बात आती है यहाँ पर कि आप इस बॉक्स प्लेट को किस ड्रेस में यूज करना चाहते हैं। अगर आप इस बॉक्स प्लेट को किसी स्कर्ट में यूज करना चाहते हैं जिसमें आप प्लास्टिक यूज करने वाले हैं, तो इसमें आपको टोटल कमर के साथ में प्लस 2 या 3 इंच जितना आप लूजिंग रखना चाहते हैं वो आपको एड करते हुए टोटल कमर यहाँ पर लिखनी होगी। अगर आप किसी सूट में या किसी अन्य ड्रेस में इसको यूज करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर कमर के ही हिसाब से, जितनी आपने कमर वहाँ पर ली है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर बॉक्स प्लेट का मेजरमेंट यहाँ पर मार्किंग करना होगा। तो मैं इस बॉक्स प्लेट को अपने एक स्कर्ट में यूज करूंगी। तो देखिए, मेरी जो स्कर्ट में कमर की नाप है वो हमारी है 16 इंच। मैं इसमें यहाँ पर प्लास्टिक यूज करूंगी तो मैं यहाँ पर 2 इंच लूजिंग उसमें रखूंगी, तो यहाँ पर हमारा 18 इंच कमर का टोटल तैयार नाप आएगा। अगर आप यहाँ पर फिक्स कमर रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर प्लस 2 इंच ऐड नहीं करना है। इसके बाद में आपको अपने स्कर्ट में या अपने किसी अन्य ड्रेस में जितनी बॉक्स प्लेट तैयार रखनी है उतने का आपको यहाँ पर भाग देना होगा। जैसे मैं अपने इस स्कर्ट में यहाँ पर 9 बॉक्स प्लेट रखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर 9 का भाग अपने इस 18 में लगाऊंगी तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 इंच। इस तरीके से हमें यहाँ पर कैलकुलेशन निकालनी होगी। जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है यहाँ से हम देखिए 18 का हाफ यहाँ पर लगाएंगे 9 इंच, प्लस हम यहाँ पर इस मार्किंग से आगे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट करके हटा देंगे। अब हम यहाँ पर 2 इंच के मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग हम इस लाइन से करेंगे और यहाँ पर हम छोटे छोटे कुटके लगा लेंगे। इस तरीके से हमें ये मार्किंग करनी है। यहाँ पर हमने जो छोटे छोटे कुटके लगाए थे उन्हीं कुटकों के बीच में हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब बात आती है फैब्रिक की। आप अपने स्कर्ट में या कोई भी ड्रेस में जिसमें आप बॉक्स प्लेट यूज कर रहे हैं, आप कितना फैब्रिक यूज कर रहे हैं आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ये इस तरीके का एक फैब्रिक लिया है। ये हमारा इस तरीके से डबल फोल्ड है। सबसे पहले आपको इस फैब्रिक में यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ छोड़ना है, जैसा कि हमने अपने इस ड्राफ्ट में छोड़ा था। इसके बाद में जैसे कि हमने यहाँ पर 9 बॉक्स प्लेट का हमने यहाँ पर मार्किंग किया है, ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ पर अपने इस फैब्रिक पर 9 बॉक्स प्लेट की मार्किंग करनी है। इसकी मार्किंग हम इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप इस तरीके से अपने फैब्रिक का इस तरीके से मेजरमेंट कर लीजिए। ये हमारा 28 इंच आ रहा है। ये 1 साइड है। अगर आप इसको डबल करते हैं तो ये आपका हो जाता है 56 इंच। तो आपको 56 इंच के अंदर 9 बॉक्स प्लेट का भाग देना होगा, जो कि हमारा यहाँ पर आता है 6.22 समथिंग इंच। अब हमें यहाँ पर ठीक इसी प्रकार से 6.22 के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करनी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरी ये 9 बॉक्स प्लेट की मैंने मार्किंग कर ली है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक इसी प्रकार से आपको अपने फैब्रिक पर मार्किंग करनी है। अब हमें इस फैब्रिक को बताए गए इस पेपर ड्राफ्टिंग के ऊपर पिनअप कर लेना है। इस तरीके से ड्राफ्ट को रखना है और अपने टोटल फैब्रिक को इस तरीके से लेना है।
सबसे पहले आपको एक इंच यहाँ पर मार्जिन के लिए रखना है। यहाँ पर आपको पिन से इसे पिनअप करना है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, जो हमने ये वाली मार्किंग की थी, इस मार्किंग को हम यहाँ पर, जो हमने ये लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पर इस तरीके से आपको पिनअप करना है। ये देखिए, इसे हम यहाँ पर पिनअप करेंगे, इस वाले को हम यहाँ पर पिनअप करेंगे, इसे यहां पर इसे यहां पर, इसे इस तरफ, और लास्ट में यहां पर इस तरीके से आपको पिनअप करना है। अब चलिए हम अपने बॉक्स प्लेट डालकर देख लेते हैं। आप चाहें तो अपने बॉक्स प्लेट को इस पैटर्न के ऊपर पिनअप करके बॉक्स प्लेट डाल सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली ही बॉक्स प्लेट डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली बॉक्स प्लेट डालने वाली हूँ। अपने इस मार्किंग को आप दूसरे पार्ट पर भी इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। इस तरीके से आपको बॉक्स प्लेट सेट करनी है। बॉक्स प्लेट सेट करने के बाद में एक बार यहाँ पर इंची टेप से इस तरीके से मेजरमेंट कर लीजिए, जो आपका यहाँ पर बॉक्स प्लेट का एक बॉक्स प्लेट का यहाँ पर जो मेजरमेंट आ रहा था वो इक्वल है या नहीं। यहाँ पर जो मेरा बॉक्स प्लेट का मेजरमेंट आ रहा था वो 2 इंचेस था, तो मैं यहाँ पर इस बॉक्स प्लेट का जो साइज है वो 2 इंचेस रेडी रखूंगी। अब मैं इसे इस तरीके से स्टिच कर लूंगी। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरी बॉक्स प्लेट यहाँ पर डालेंगे। ये देखिए, दूसरी बार भी मेरे बॉक्स प्लेट का जो साइज है वो बिल्कुल सही आ रहा है, 2 इंच रेडी आ रहा है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप अपने इस बॉक्स प्लेट को पेपर के ऊपर रखकर उस पर पिनअप कर फैब्रिक को इसे तैयार कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम अपनी सारी बॉक्स प्लेट इस तरीके से यहाँ पर डालेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बॉक्स प्लेट डाल ली है, ये आप देख सकते हैं, ये मेरी बॉक्स प्लेट बिल्कुल इक्वल मैंने यहाँ पर डाली है। बॉक्स प्लेट डालने के बाद में आप इसे एक बार आयरन कर लीजिए। इस तरीके से बॉक्स प्लेट डालने के बाद में आप इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके इस पर आप फिक्स बेल्ट लगा सकते हैं, या आप यहां पर लास्टिक वाला बेल्ट भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।